Hello guys, this is Saddam Leonardo Cap. Welcome to my channel Physics for Fun. तो आज मैंने थोड़ा वीडियो का पैटर्न बदला है और देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ नया मिलता है. और पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था वेव फंक्शंस के बारे में और हमने देखा था कि ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं. तो अब तक हमने बात किया है कि मैथमेटिकल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए. हमने बात किया था श्रोडिंगर इक्वेशन की, जिसमें हम लिखते हैं क्या H इज इक्वल टू, जो H मेरा क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है. और मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन है, और जनरली हम जो बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हम करते हैं ऑपरेटर्स की बात. तो यहाँ पे H जो हमें सिग्निफाई करता है एनर्जी ऑपरेटर के क्रॉस्पोंडेंस, P जो मेरा सिग्निफाई करता है मोमेंटम ऑपरेटर, 2m जो अपना ये जो पूरी क्वांटिटी है वो काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या बनता है, एक ऑपरेटर की तरह यूज़ होता है. 2m जो है वो मेरा पार्टिकल का मास है, और ये पोटेंशियल के उस कोई भी जगह पे जो हमारा पार्टिकल है उसमें क्या इंट्रैक्शन है, क्या उसमें कोई फोर्सेस लग रहा है या क्या फोर्सेस नहीं लग रहा है. तो जनरली इस फ्रेम में हम बात करते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं यहाँ पे इंट्रैक्शन एनर्जी, कि वो पार्टिकल किस चीज़ के इंट्रैक्ट में है. तो हमने कई बार देखा कि जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, जैसे कि हमारा एक्स होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, और भी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए. हर्मिशियन कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल है, आप उसका कंजुगेट लेते हो, उसके बाद ट्रांसपोज करते हो, जिसको हमने कहा था एक्स टू द पावर डाइगर, या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर डाइगर मैंने कहा था, तो वो क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ सेम होना चाहिए. ठीक है, तो इसे ये होती है कंडीशन किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर की, जो हर एक ऑपरेटर पर लगता है. और फिर हमने डिफाइन किया था कि जो मोमेंटम का आपके पास ऑपरेटर होता है वो आता है h बार बाई आई डेल बाई डेल एक्स, वन डायमेंशन में आता है. और आप अगर से थ्री डायमेंशन में ले जाओगे, डी डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड आएगा. और ये जो आपका जो ऑपरेटर है ये हमेशा क्या होता है, पार्शियल में होता है. उसके बाद हमने बात किया था कि वेव फंक्शन जो आपकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूड होगी. उसके बाद ये क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए. नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने साई एक्स लिया और इसका आपने क्या लिया, कंजुगेट लिया, और आप इसे इंटीग्रेट करते हो ऑल ओवर स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स, तो ये आपको क्या देना चाहिए, हमेशा वन देना चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस भी हम कहते हैं. उसके बाद जो हमारी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमेशा क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी कंजर्व होने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से मिले, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है कि साई एक्स स्क्वायर. साई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साई एक्स इंटू साई साई स्टार एक्स. तो ये कहता है, आपको ये गारंटी देता है कि अगर आप किसी डायमेंशन में, किसी वॉल्यूम में हो, तो वहाँ पर कोई पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी फाइनाइट होनी चाहिए. उसके बाद हमने और बात किया था कि साई एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, चाहे डी साई बाई डी एक्स हो या डी साई बाई डी टी हो, यह हमेशा क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं या सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए. यानी कि वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेव फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. तो हमने ये सब बेसिक पॉस्टुलेट्स को देखा है क्वांटम मैकेनिक्स के, बट हमें अब तक नहीं जाना है कि हमारे पास जो क्वांटम सिचुएशन है वो एक्चुअली में क्या है, हम किस तरह से इन चीज़ों का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और बाय द वे, एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम होता कैसा है. तो सबसे पहला प्रॉब्लम, और मेरा जो पढ़ाने का इसमें जो ट्यूटोरियल्स का पूरा तरीका है, वो मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे मैथमेटिकल, कैसे कैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो फाउंडेशंस भी किस तरह से हुई. इसी वजह से अगर आपने पढ़ रखा है क्वांटम मैकेनिक्स या कुछ भी, तो उसमें जो डिराक का अलजेब्रा आता है या फिर कम्यूटेशन अलजेब्रा होता है, मैं उस पर नहीं गया हूँ. उस पर हम धीरे धीरे जाएंगे और उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो अलजेब्रास हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कैसे कैसे चीज़ों में पिक्चर्स में आई. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेव डिस्क्रिप्शन पर बात करेंगे, अलजेब्रा के पे बात नहीं करेंगे. एक होती है अलजेब्रा, अलजेब्रिक जो आपको मिलता है डिराक ने जो आपको दिया है, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक पिक्चर. उसके बाद एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स की मैट्रिक्स पिक्चर, और एक होती है वेव पिक्चर. तो हम बात करने वाले हैं वेव पिक्चर के. इवन इफ अपार्ट फ्रॉम दिस,
मैं बात कर रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पार्टिकल इन बॉक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप न्यूटन मैकेनिक्स में देखते हो कि एक पार्टिकल है बस और वो यहाँ पे है, तो जनरली आप कुछ नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कि चलो ठीक है उसकी पोजीशन क्या होगी यहाँ पर किसी भी स्पेस में और उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा। बट यहाँ हम सिचुएशन अलग लेते हैं, यहाँ हमें डिमांड करता है कि पार्टिकल किसी भी स्पेस में हम जब लेते हैं तो उसमें जो उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए। जब ये प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होनी चाहिए और वेव फंक्शन का हमें नॉर्मलाइज होना ज़रूरी है, तो आपको पार्टिकल को किसी एक स्पेस में लोकलाइज करना होगा। जैसे कि हमने बात किया था वेव की लोकलाइजेशन पे, तो आपको उसे ट्रैप करना होगा, और उसे एक ट्रैप करना होगा इसका मतलब कि आपको उसे पोटेंशियल में ट्रैप करना है या फिर इवन ही किसी एक लोकेलिटी में उसे आप ट्रैप करना है, और तब आप वहाँ पे वेव फंक्शंस और जो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं वहाँ पे ट्रू होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्टिकल इन बॉक्स की। इसमें क्या है कि ये जो पार्टिकल एक वन डायमेंशनल बॉक्स पे है और वो इस तरह से है कि वो इस बॉक्स के आर पार नहीं जा सकता है, वो इस बॉक्स से इस तरफ नहीं जा सकता है, वो इस बॉक्स के इस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो उसके दीवारें हैं वो बहुत लंबी है। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए इसे इनफाइनाइट से मतलब क्या ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं का मतलब कि इसे कहते हैं हम इनफाइनाइट बॉक्स, ठीक है ना। इसकी जो हाइट होती है, जनरली हाइट होती है वो क्या है हमारी, इनफाइनाइट है, मतलब कि पार्टिकल जंप नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पार्टिकल रखे हैं तो हमने सबसे पहला केस क्या किया है कि जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन में आता है हमारा पोटेंशियल, तो मैंने मान लिया कि चलो भाई ठीक है पार्टिकल हमारा फ्री है, मतलब कि ये बस सिर्फ इधर उधर मूव कर सकता है इसके अंदर और इस पर कोई भी इंट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि ना ही वहाँ ग्रेविटी है ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो जब आपके पास कोई फोर्सेस नहीं होगी इस इट मीन्स कि उसका इंट्रैक्शन क्या हो गया, वो जीरो है, तो उसमें कोई चीज़ इंट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं हम और देखते हैं कि इस पर हम किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने कहा कि ये जो सिनेरियो है, कुछ भी चीज़ें हैं जो मतलब कि पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल की जो डिस्क्रिप्शन है हम दे सकते हैं उसे किस पे, साई से दे सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन ये है कि आपको लिखना पड़ेगा टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं कि हम बोलेंगे कि एच जो हैमिल्टोनियन है उसे मैंने ऑपरेट किया किस पे, साई पे, और वो हमें क्या देगा, मुझे एक आइगन वैल्यू क्या देगा, ई देगा, और फिर वो वेव फंक्शन होगा। सबसे पहला इक्वेशन। अब मेरे को पता है कि एच क्या है मेरा, एक ये ऑपरेटर है पी स्क्वायर बाई टू एम। अब वी ऑफ एक्स ये मेरा क्या हो गया, जीरो हो चुका है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पी स्क्वायर बाई टू एम अप्लाई होगा साइज पे और ये हमें देगा क्या, एनर्जी इनटू साई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे वन बाई टू एम लिखता हूँ मैं, पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू क्या, एच ओवर आई। तो मैं यहाँ क्या करूँगा क्या, एच स्क्वायर बाई आई पर स्क्वायर इंटू वन बाई टू एम, अब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये मेरा कहाँ किस पे ऑपरेट होगा, साई पे, और कहने का मतलब ये मुझे क्या देगा, ई ऑफ साई। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, ठीक है, सॉरी ये तो नहीं आएगा, टू एम मैंने बाहर लिख दिया है, माइनस आ जाएगा। तो ये जो माइनस है तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ साई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पी स्क्वायर देखो तो हमेशा क्या करना, माइनस एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाई टू एम अगर देखोगे तो इतना सीधे माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, बस ये कर देना, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं कि आई को लिखो ये लिखो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बस दिखाया ये कैलकुलेशन किस तरह से है, आफ्टर ऑल इसके बाद मैं दिखाऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा मैं। अब क्या करना, ये तो एक सिंपल कांस्टेंट है, एच बार भी हमारा कांस्टेंट है, टू एम हमारा कांस्टेंट है, तो मैं इसे राइट साइड में ले जाता हूँ, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई ओवर एच बार स्क्वायर नेगेटिव से ऐसा आया मेरा साई। तो ये मेरा एक सेकेंड इक्वेशन हो गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैं और राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं वो मेरा क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो एनर्जी है वो बताता है कि एनर्जी हमारा जो सिस्टम का है वो एनर्जी सिस्टम का कितना है, ठीक है। तो अब इसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। तो हम लिखते हैं इस इक्वेशन को फिर से, डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एम ई ओवर एच बार स्क्वायर इंटू साई, और हम डिफाइन करते हैं कि लेट्स डिफाइन इट के से, के स्क्वायर को मैंने डिफाइन किया टू एम ई ओवर एच बार स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा, डी टू साई ओवर
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई। तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आती है डी टू साई इज इक्वल टू इस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखो, सिर्फ डी स्क्वायर लिखो, साई इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर इंटू साई, इस साई साई को कैंसिल कर दो आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस आई इंटू के। ये किस तरह से हुआ, ये सिंपल से ये वाला, ठीक है। तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस विद प्लस माइनस साइन आएगा आई के। तो ये हमारा क्या आया, डी का वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद क्या, साई इज इक्वल टू सी वन ए टू द पावर के एक्स प्लस सी टू ए टू द पावर माइनस के एक्स। क्योंकि इसका दो सॉल्यूशन क्यों आया, दो सॉल्यूशन इसलिए आया बिकॉज ये डबल डेरिवेटिव है, इसका जो ऑर्डर है वो टू है, इसी वजह से आपके पास जो इक्वेशन आएगा या जो भी कॉन्स्टेंट्स आएगा वो क्या आएगा, दो आएगा। अगर यहाँ पे डी थ्री बाई डी स्क्वायर आता तो वहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री आता। सी वन सी टू आपको बता रहा है कि इसका दो सॉल्यूशन है और सी वन सी टू एक कॉन्स्टेंट है। तो हमने ये वेव फंक्शन निकाल लिया और इसको आप अगर साइन और कॉस के रूप में लिखोगे तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हो आप ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। बट क्या ये सॉल्यूशन है, नहीं। जनरली क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो सबसे एक चीज़ जो मैंने पहले बताना भूल गया कि क्वांटम मैकेनिक्स सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है बाउंड्री कंडीशन। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो और विदाउट बाउंड्री कंडीशन ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर आप बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाओगे काम नहीं होगा। बाउंड्री कंडीशन जिसको मैंने पहले भी बताया था कि बाउंड्री कंडीशन ऐसा होता है कि ये फाइनाइट होगा। अब हम अगर पार्टिकल इन द बॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये क्या कहते हैं, जिससे एक बाउंड्री हमने डिफाइन किया जीरो से एल के बीच, क्या है ये बाउंड्री है, इसके बीच पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है। बट जैसे ही हम जीरो के पास आएंगे तो इसकी जो मतलब कि वही फंक्शन है यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, डाइज होनी चाहिए इसकी, और इस बाउंड्रीज पर वो क्या होना चाहिए, डाई हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि साई एक्स इज इक्वल टू जीरो और साई एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जीरो, ये इस तरह से होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो गया तो अब हम लगाते हैं x इज इक्वल टू जीरो और फिर हम लगाते हैं साई x इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या देगा मुझे, तो आइए देखते हैं साई x इज इक्वल टू क्या है मेरा, a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब साई एक्स इज इक्वल टू जीरो हम बैठाएंगे, ये क्या देगा, ये जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ b रहेगा इज इक्वल टू जीरो। तो पहला जो बाउंड्री कंडीशन वो मुझे बताया कि जो मेरा b है वो क्या है, जीरो है। तो मेरा जो वेव फंक्शन है वो किस तरह का हो गया, a साइन के एक्स, इस तरह का हो गया। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर आप x इज इक्वल टू एल बिठाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि a साइन के एल इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ए तो मेरी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए भी जीरो होगा तो ये जीरो, तो बात की वेव फंक्शन तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो जीरो क्या होगा, साइन के एल। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, साइन के एल इज इक्वल टू जीरो। अब साइन के एल की कौन सी वैल्यू हमें जीरो देती है, साइन जीरो बराबर जीरो, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, साइन टू पाई इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि हम ले सकते हैं साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन मल्टीप्लाई बाई पाई। ओके, तो के एल की जो मेरी वैल्यू आ गई वो क्या होगी, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो के एल इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, एन पाई। तो हैंस के इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एन पाई बाई एल। और ये मुझे दे रहा है क्या, कि जो आपने कांस्टेंट यूज़ किया था 2me ओवर h पावर स्क्वायर की, उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, एन पाई बाई एल। सो मेरी जो वेव फंक्शन होगी, कंप्लीट वेव फंक्शन क्या हो गई मेरी, a साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स। तो ये अब देखो, ये आपको एक सिंगल वैल्यू मिल गई। सिंगल वैल्यू कैसे, कि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक बचा। और ये जो सिंगल वैल्यू आई वो किस लिए आई, हमारी बाउंड्री कंडीशन से आई। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि k इज इक्वल टू एन पाई बाई एल आया, तो मैं अगर यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो आप यहाँ देखोगे k स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा मैं, जो मैंने एस्यूम किया था 2me ओवर h बार स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। और आप यहां देख सकते हो, और आप यहां देख सकते हो कि हमारी जो e की वैल्यू है, e यानी कि n फॉर डिफरेंट
फॉर डिफरेंट एन, हमारी जो यहाँ वैल्यू आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर इंटू टू एम एल स्क्वायर। तो ये जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ से आई, वो ये जो हमारी एनर्जी है, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी कितनी अलग होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कुछ इस तरह से आया, जो डिपेंड करता है किस पे, एल तो हमारा कांस्टेंट है कि आपकी बाउंड्री कितनी बड़ी है, दूसरी चीज़ हमारी डिपेंड करती है कि सपोज़ यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन जो आपको बता रहा है। तो ये जो सबसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो एनर्जी आई, एनर्जी जो आई वो हमारा क्या है, कंसिक्वेंसेस ऑफ बाउंड्री कंडीशन। और ये कंसिक्वेंसेस क्या है कि ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये जो एन है, एन की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकती है, क्या हो सकती है, एन इज इक्वल टू 1 ± 2 और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी एन की वैल्यू हो सकती है। अब आप बोलोगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको कभी भी एनर्जी इस तरह से नहीं मिलती है, जो आपका जो वैल्यू लेगा वो 1 लेगा 2 लेगा 3 लेगा, यहाँ पे 1 के बाद आप नहीं बैठा सकते कि 1 = 1.5 आएगा, 1/3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी एनर्जी आएगी वो कैसी आई, वो हमारी डिस्क्रीट नेचर की आई, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन ले सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, 2, 3, ये चलेगा मेरा कंप्लीट किस में चलेगा, एक डिस्क्रिटाइजेशन में कहेगा। और इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसे कहते हैं क्या, क्वांटाइज, कि हमारी जो एनर्जी है वो एटॉमिक स्केल पे, वो एटॉमिक स्केल पे, क्वांटम स्केल पे क्या है, क्वांटाइज्ड है, ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिस्क्रीटनेस है। तो ये सबसे बड़ी कंसिक्वेंसेस होती है हमारे किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की, कि यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज में एग्जिस्ट करती है, ना कि हमारे कंटिन्यूअस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, एन इज इक्वल टू क्यू नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेव फंक्शन को देखोगे तो ए साइन एन पाई ओवर एल इन टू एक्स, तो अब एन की वैल्यू अगर बैठाओगे तो साई एक्स मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो साई एक्स जीरो हो गया। तो आपकी ऑब्वियसली बात है कि आप बोलोगे तो अच्छा ये भी तो एक सॉल्यूशन हो सकता है कि साई एक्स मेरा जीरो क्यों ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि साई एक्स जीरो होने का मतलब एक और चीज़ सिग्निफाई करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आपने n इज इक्वल टू जीरो लिखा तो n इज इक्वल टू जीरो क्या बताता है कि वो जो है सबसे ज़्यादा लोअर स्टेट में आ गया। सबसे ज़्यादा लोअर स्टेट होने का मतलब क्या हुआ कि आपका पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो कहीं ना कहीं इसकी जो n इज इक्वल टू जीरो अगर हम कहेंगे एनर्जी क्या होगी, मेरी जीरो हो गई। तो आप बोल सकते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, जीरो हो गई। तो ऑब्वियसली हमारा जो इसका मोमेंटम है वो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई तो हमारी मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। ठीक है, तो ठीक है, ओके फाइन, काइनेटिक एनर्जी, तो अगर मेरा मोमेंटम अगर हमको पता चल गया कि इस पार्टिकल की मोमेंटम नहीं है, तो इसमें आप अनसर्टन कितना हो, आपको एक एग्जैक्टली पता चल गया कि पार्टिकल की मोमेंटम जीरो है, तो इसकी अनसर्टनिटी हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब आते हैं हम किस पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल पे। वो कहता है कि क्वांटम में जो क्वांटम में है वो क्या होती है, उसके पास जो एक अनसर्टेनिटी होती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसकी जो कंप्लीट नॉलेज है वो एच बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर आपके पास पी एक्स जीरो हो गया तो डेल एक्स आप क्या हो जाएगा, एच बार बाई जीरो, और वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी हो गई या फिर एन इज इक्वल टू जीरो पे आ गया, तो आपकी जो पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि अगर आपको पता है कि चलो उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है, मुझे पता है प्रिसाइजली, तो आपकी जो पोजीशन है, जो उस पार्टिकल की पोजीशन है, आप उसके बारे में क्या हो जाएगा, इनफाइनल हो जाएगा। मतलब कि आपको पता ही नहीं कि वो पार्टिकल एक्चुअली में है कहाँ, यहाँ इस जगह में वो कहाँ है ये पता ही नहीं चलेगा, इस जगह में क्या कहीं भी हो सकता है ये पता नहीं चलेगा आपको। तो ये बहुत बड़ा मेजर चीज़ है, इसलिए ये बता रहा है कि n इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। और ये फिजिकली इसे आंसर देता है क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो इनबिल्ट आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस में काम कर रहा है, साई ऑफ एक्स में काम कर रहा है, और आपके जो क्या है, बाउंड्री कंडीशंस पे काम कर रहा है। तो बाउंड्री कंडीशंस की वजह से आपका जो एनर्जी है वो क्या है, मेरा क्वांटाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंटरव्यूज़ में और कहीं भी पूछते हैं लोग के, एक्चुअली में ये बताइए कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें एनर्जी क्वांटाइजेशन क्यों होती है, एनर्जी क्वांटाइज क्यों मिलती है। तो उसका एक रीज़न है क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस,
बाउंड्री कंडीशन किस पे, जब आप वेव फंक्शंस पे लगाते हो कि ये बाउंड्री पे हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या करती है, आपकी डिस्क्रिटाइजेशन नेचर को एक्चुअली में क्या होता है उसे वो क्रिएट करता है क्वांटम मैकेनिज्म में। और जब इसे एक्सपेरिमेंटली किया गया तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली वेरीफाइड है। अब हम एक और चीज़ आते हैं कि ए क्या है एक्चुअली में, एक दूसरी चीज़ पर हम आते हैं, बात करेंगे कि ए को हम कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह से हम देखते हैं कि जो इसकी जो बेसिक फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स है वो किस तरह से हम इसको मैथमेटिकली हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक कंडीशन आपने और देखा था कि साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन, इसे हमने कहा था नॉर्मलाइज कंडीशन है। तो हमें अब इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए साइन एन पाई बाई एल इन टू एक्स ये क्या है, एक रियल फंक्शन है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स आप लोगे तो वो क्या होगा, रियल ही आ जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये पूरी स्पेस है, जनरली हमारा जो ये स्पेस है वो क्या है, जीरो टू एल है। अब ये ए क्या आएगा, दो बार आएगा, तो ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एन पाई ओवर एल इन टू एक्स है, जनरली साइन इन टू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये डी एक्स हो गया आपका इज इक्वल टू वन, ओके। तो ए स्क्वायर आपका बाहर जाएगा जीरो टू एल साइन एन पाई बाई एल इन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो जनरली आप जब इसका इंटीग्रेट करोगे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं कि मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा, तो जनरली यहाँ पे आप इंटीग्रेट करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप यूज़ करो कॉस टू ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, इसको साइन में तोड़ दो तो आप क्या बोलेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस कॉस टू ए सॉरी वन माइनस कॉस टू ए ओवर टू, ठीक है। तो जब आप इसे आप करोगे तो जनरली यहाँ पे क्या देगा, उसके बाद आप लिमिट पुट करना और सब कुछ करना, तो यहाँ पे वो देगा क्या, यहाँ पे जो आपकी आएगी वो होगी एल बाई टू आ जाएगी इज इक्वल टू वन, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कॉस टू ए फिर साइन आएगा और उसके बाद जब आप इसको लिमिट बिटाओगे तो वो कंप्लीट जीरो होता है, और ये वन बाई टू है, वन बाई टू क्या होगा जीरो टू एल, तो ये आपको देगा क्या ए बाई टू, तो हैंस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एल बाई टू। आप बोलोगे यहाँ प्लस माइनस, जनरली प्लस माइनस लेंगे की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं बात, तो साई एक्स इज इक्वल टू अब मेरा क्या हो गया, सॉरी ये चेंज हो जाएगा टू ओवर एल, तो ये जो मेरा आ गया टू बाई एल साइन एन पाई ओवर एल इन टू एक्स, तो ये मेरा एक कंप्लीट वेव फंक्शन हो गया जो नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को भी वेरीफाई करता है, जो बाउंड्री कंडीशंस को भी वेरीफाई करता है, और जो बाउंड्रीज पे क्या होता है डाई हो जाता है, और ये एक स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है, और दूसरा ये क्या है साई एक्स हमारा क्या कंटिन्यूस है, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे डी साई बाई डी एक्स वो भी क्या है हमारा कंटिन्यूस है, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा जो कैलकुलेशन है वेव फंक्शंस का वो कम्प्लीटली अपने अंदर पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशंस को क्या होता है अपने अंदर वो समा के रखता है, उसकी इन्फॉर्मेशंस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन सब कुछ उसमें है, और इससे हम निकाल सकते हैं कि पार्टिकल का एक्चुअली में क्या होता है पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, उसका पोजीशन उसका मोमेंटम, जनरली जो पोजीशन हो गया उसका हम क्या निकाल सकते हैं हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम का हम क्या निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, इवन इफ हम यही भी दे सकते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल एक्स क्या होगा फिर उसके बाद डेल पी एक्स क्या होगा, इसे हम मैथमेटिकली भी इजीली निकाल सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा कि क्या एक्चुअली वे फंडा है कैलकुलेट करने का क्वांटम मैकेनिक्स में, ये क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से हम फिजिकल चीज़ों को देख सकते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये है जो मैं बताऊँ आपको, इन सब कैलकुलेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, इसमें नहीं करूँगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये है कि मैंने कहा एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन, तो साई एन इज इक्वल टू वन आपको देता है, इसे हम कहते हैं स्टेट्स। मैंने कहा कि एक चीज़ है इसमें एग्जिस्ट करती है स्टेट्स, तो किन स्टेट्स में होती है, तो जनरली एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव, ये एक कम्प्लीट एक स्टेट्स बन जाता है, ठीक है, एन इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अगर हम पहले ये बोलते हैं कि क्या पार्टिकल मेरा ग्राउंड स्टेट में है, तो साई वन एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ये हमें देगा कि पार्टिकल मेरा क्या है ग्राउंड स्टेट में है पाई बाई एल इन टू एक्स,
साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू देगा, ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, इसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद कहेंगे इसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो साई टू एक्स बाई टू बाई एल इंटू साइन टू पाई बाई एल इंटू एक्स, उसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपने अभी अभी देखा कि साई इंटू साई स्टार, कहने का मतलब ये है कि साई इंटू साई स्टार हमने देखा यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि ये जो कैलकुलेशन है जो हमने किया अब साई एन इज इक्वल टू निकालने के लिए, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मैंने क्या क्या वन की मुताबिक बात किया, क्योंकि n इज इक्वल टू अगर मैं वन नहीं लूँगा तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएगा, और मैं टू की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सॉरी यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ कि टू बाई एल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि साई टू एक्स, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा। तो मैं पहले अभी जो निकाला हूँ साई वन के लिए निकाला हूँ, ग्राउंड स्टेट में जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा। तो अब मैं ग्राउंड स्टेट की अगर बात करूँ कि साई वन इंटू साई वन क्या हो गया, हमेशा वन हो गया, जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड, और इसको सेकंड लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि ये मेरा क्या है, ऑर्थो नॉर्मल है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि साई टू इंटू साई टू स्टार, ये भी क्या हो जाएगी, मेरी ऑर्थो नॉर्मल आएगी, और इसकी कांस्टेंट होगी, सपोज इसकी कांस्टेंट क्या मैंने मान लिया अभी, तो इसकी कांस्टेंट कुछ डिफरेंट होती है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं बताऊंगा कि एक्चुअली मैं इसे एक्सप्लोर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि इसका एक कंसिक्वेंसेस क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये है कि अगर आप निकालोगे साई टू और साई वन स्टार, ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे जीरो टू एल, तो ये हमेशा आपको यहाँ क्या देगा, जीरो देगा। और यही नहीं, आप साई वन इंटू साई थ्री करो या साई वन इंटू साई फोर, यानी साई वन इंटू आप कुछ भी कर लो, यानी कि साई एम कर दो, ठीक है ना, एम इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमेशा आपको क्या देगा, जीरो देगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट में आप हो, तो हर एक स्टेट यानी कि साई एम इंटू साई एन, जहाँ पे क्या है मेरा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एम एन के इक्वल नहीं है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इसे आप इजीली चेक कर सकते हो, और मैं कल एक बेहतरीन इस पे मैं न्यूमेरिकली मैं दिखाऊंगा, कंप्यूटराइज्ड वे में दिखाऊंगा, ग्राफ बना के दिखाऊंगा मैं किस तरह से चीज़ें मतलब कि ऑर्थो नॉर्मल है ऑर्थोगोनल है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली जब आप इस पे लिखोगे साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे हैंड से कैलकुलेट करूँ, आप कर सकते हो, सिर्फ आपको यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आप इजीली कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा, मैं बस आपको ये बताता हूँ कि ये एक्चुअली में वेरीफाइड है, ये मैंने किया है, और ये हर बुक में आपको मिलेगा कि जितने भी जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, और जो सेम स्टेट्स हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं। तो ऑर्थोगोनल स्टेट्स होते हैं, ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है कि अगर आपको पता है ग्राउंड स्टेट कैसा है, तो आप अगर कंस्ट्रक्ट करोगे, अगर आपको पता ग्राउंड स्टेट साई वन के बारे में, तो आपको अगर कंस्ट्रक्ट करना है साई टू, और आप सोचोगे क्या मेरा साई टू सही है कि नहीं है, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि साई वन इंटू साई टू स्टार क्या आपको जीरो देता है कि नहीं, अगर मैं इंटीग्रेट इसका करूँ तो। अगर ये जीरो नहीं देता है, इसका ये मतलब है कि आपने जो कैलकुलेट किया है साई टू या फिर साई वन, वो दोनों क्या है, वो क्या है, गलत है। तो आपको इस तरह से अपने स्टेट्स को बनाना है कि जितने भी स्टेट्स होंगे उस स्टेट्स के अलावा सारे के सारे स्टेट्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, और वो स्टेट को आप अगर सेल्फ उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्टेट्स क्या होते हैं, हमेशा ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होते हैं। उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, उसकी क्वालिटीज़ के हर एक स्टेट्स की क्वालिटी क्या होती है, हमेशा जनरली उसकी ऑर्थोनॉर्मल होती है, और वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है, और वो नॉर्मलाइज होता है। तो आपने देखा कि जब हम एक क्वांटम स्ट्रक्चर में आते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट डिफरेंट कैसे है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, स्टेट्स देखने को मिलता है। एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या होता है, एक होती है साई वन तो साई टू, और उसमें क्या होती है, एनर्जी क्या होगी, ई वन ई टू ई थ्री, तो हर एक चीज़ की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा ई एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ई वन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर।
अब अगर सेकंड स्टेट्स की हम एनर्जी निकालेंगे तो ये क्या होगा, 4π² एच बार स्क्वायर बाई 2m². उसी तरह से हम E3 निकाल सकते हैं, E3 क्या हो जाएगा, 9π² एच बार स्क्वायर बाई 2m². तो हर अलग अलग स्टेट्स की जो एनर्जी है वो हमारी क्या हो गई, डिफरेंट हो जाती है। आई बात समझ में आपको? तो ये जो एक चीज़ है वो आपको क्लासिकल मैकेनिज्म में देखने को नहीं मिलती है कि एनर्जी हमारा किस तरह से क्वांटाइज्ड है, हमारा एक स्टेट्स जो आपको जितने भी क्लासिकल मैकेनिज्म में आपको कोई स्पेसिफिक स्टेट्स देखने को नहीं मिल जाएगा कि कोई वेव फंक्शन है कोई कुछ है, ठीक है। तो वेव फंक्शन में जो इस कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इस तरह से नहीं होती है कि आप कोई एक चीज़ डिस्क्राइब करोगे किसी एक मैथमेटिकल फंक्शन से और वो फंक्शंस उस पार्टिकल की हर एक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करके रखता है और आपको जो भी उस ऑब्जर्वेबल्स निकालना है आप उसे अप्लाई करो और वो ऑब्जर्वेबल्स आपको दे देगा। जनरली इस तरह के काम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग एनर्जी होती है और अलग अलग स्टेट्स की क्या होती है, अलग अलग वेव फंक्शंस होती है, और जितने भी वेव फंक्शंस हैं अलग अलग स्टेट्स के वो हर वेव फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। और इसीलिए हम लिख सकते हैं साई को, जो एक बड़ा साई है ये सिस्टम का पूरा जो मैंने वो लिखा, ठीक है, तो उसको हमें क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, साई इंटू सी वन, सपोज से कोई कॉन्स्टेंट है C1 ψ1 प्लस C2 ψ2 प्लस C3 ψ3, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे हम क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है हम उसे क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको अगर चाहिए कि चलो भाई ठीक है मेरा इसमें एनर्जी कितना, ψ3 में एनर्जी क्या है, तो आप ψ3 को ले लो, ψ3 × ψ3, ψ2 को ले लो, ψ2 × ψ2। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, एक स्टेट्स का एक क्या है, सुपरपोजिशन स्टेट्स में, यानी कि पार्टिकल का भी आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है इस पूरे इसमें, किसी भी स्टेट में हो सकता है, जब तक कि आप उसे मेजरमेंट ना कर लो। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि आपको पार्टिकल को अगर जानना है तो पहले आपको उसमें मेजरमेंट करना होगा, वो मेजरमेंट आपको बताएगा कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप अगर बोलोगे कि मुझे मेजर करना है कि पार्टिकल की क्या पोजिशन हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो इसमें हो, क्या कहता है कि फिफ्थ स्टेट में हो, तो हम वहाँ पर देखेंगे किस तरह से है। ये जो एनर्जी है, एनर्जी आप देखोगे कि यहाँ हो गया 1/2 है, यहाँ पर क्या हो गया, आप अगर देखोगे कि यहाँ 1/2 है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये फोर्थ है, ये क्या हो गया, 9 है, अगर यहाँ 1 लिखूँगा 4 लिखूँगा 9 है। तो इस तरह से हम क्या पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, इनक्रीज होती रहती है। तो कहने का ये मतलब है कि जो सारा सिस्टम है ये एक सुपर पोजिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है, जो सब स्टेट्स में हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं CN और ΦN लिखो या फिर ψN लिखो। तो मैं इस पे अगर मतलब कि कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो आप लिख सकते हो हमेशा CN ΦN। ΦN आपको दिखाता है क्या, सब स्टेट्स के बारे में आपको बताता है कि ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे है जो हमारा वेव फंक्शन है, जो पार्टिकल को जो हम दिखा सकते हैं कि ये जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है या पार्टिकल जो है ये